नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना मिश्रा वंदनाज रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे पनीर। ये पनीर मैंने घर पे ही बनाया है और बहुत ही आसान तरीके से बना है। इस पनीर को बनाने के लिए हमने ना तो मलमल के कपड़े का इस्तेमाल किया है और इसे फाड़ने के लिए ना तो हमने विनेगर का इस्तेमाल किया है, ना टार्टरिक का और ना ही नींबू का। और ये बहुत ही सॉफ्ट पनीर बने हैं और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है। इस पनीर को सेट होने में लगभग 1 से 1.5 घंटे ही लगते हैं और ये हमारे पनीर बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। इसे मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, देखिए कितने सॉफ्ट हैं और आराम से कट जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये पनीर हम कैसे बना सकते हैं और इसके लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और उसमें अपना भगोना रखेंगे। भगोने में मैंने लगभग 1 लीटर दूध लिया है। दूध को हमें हिलाते हुए गर्म करना है। इसे हमें खौलाना नहीं है, बस इसे हमें गर्म करना है। जब दूध हमारा थोड़ा गर्म हो जाए तब हम इसमें लगभग 1 कटोरी दही डाल देंगे। आज हम अपने पनीर दही से ही बना रहे हैं। दही से पनीर बनाने में हमें 2 फायदे होते हैं। एक तो दही हमें घर में आसानी से मिल भी जाता है और दूसरा पनीर भी हमारा ज़्यादा बन के तैयार होता है। यहाँ लगभग 1 लीटर दूध से हमें 300 ग्राम पनीर बनेंगे। इसे हमें लगातार चलाते हुए ही उबालना है। अब ये दूध धीरे धीरे पनीर हमारा बनना शुरू हो गया है, दूध हमारा फटना शुरू हो गया है। इसे हमें लगातार हिलाते ही रहना है। दूध को फटने में कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। ये देखिए दूध से पनीर और पानी अलग होने लगा है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। इस पनीर को छानने के लिए हम एक छन्नी का प्रयोग करेंगे। छन्नी से हम धीरे धीरे पनीर को अपने छानेंगे जिससे हमारा पनीर ऊपर रह जाए और पानी उसका नीचे अलग हो जाए। हम पनीर को धीरे धीरे डालेंगे छन्नी में। अब हम चम्मच की सहायता से दबा दबा के छन्नी में से पानी को निकालेंगे। ये काम हमें गरम गरम ही करना है। ये पानी हमने इसमें से निकाल लिया था पनीर वाला। अब इसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे ताकि हमारा पनीर जल्दी सेट हो जाए। इस पानी को भी हम चम्मच से दबा दबा के निकाल देंगे।
अब हम एक प्लेट लेंगे जो हमारे पनीर के ऊपर आराम से आ सके, उससे दबा दबा के हम अच्छे से पानी और पूरा निकाल देंगे। छन्नी से पनीर छानना बड़ा आसान होता है दोस्तों। ये पानी हमने सारा इसका निकाल दिया है। अब हम इसे ढक के 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा पनीर अच्छे से सेट हो जाए। 1 से 1.5 घंटे हो गए हैं, हम अपने पनीर को एक बार देखते हैं। ये देखिए पनीर हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब मैं इसे आपको काट के दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।